लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम यहाँ क्या कर रही? अपने किए पे शर्मिंदा है, माफी मांगने आए हैं। भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मैं कौन होता हूँ? भगवान सब कुछ माफ कर सकता है, लेकिन घमंड माफ नहीं कर सकता। जुल्म करने वाले को कभी क्षमा नहीं करता। बस रवि, बस। अब ये चुभने वाले शब्द बर्दाश्त नहीं होते। आज हमें पता चला हमारे कारण कितने गरीबों का दिल दुखा होगा। अपने मजे के लिए कितनों की जिंदगियों को हमने बदमजा कर दिया होगा। तुम्हारी बातों से हमें एहसास हुआ कि प्यार किसे कहते हैं, कितना कीमती होता है सच्चा प्यार। दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी प्यार को नहीं खरीद सकती। हमें माफ कर दो रवि। अगर कोई मुझसे कहे कि सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकला तो मैं मान सकता हूं, लेकिन अगर कोई मुझसे यह कहे कि तुम और तुम्हारे पिताजी बदल गए हैं, इंसान बन गए हैं, मैं ये कभी नहीं मानूंगा। इंजीनियर साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम इस गांव का हिसाब किताब रखने वाले मुनि हो ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें वो जगह दिखा दूं जो मैंने डैम बनाने के लिए चुनी है। हाँ, दिखाओ। ये जो पहाड़ी दिख रही है ना, हाँ? इस पहाड़ी से लेकर उस पहाड़ी तक की जो जमीन दिख रही है। हाँ ठीक है, बना डालो। सरकार ये जमीन भी ले लेगी। हाँ ले लो। आगे सुनो, और ये 500 एकड़ जमीन भी ले लेगी। ये जमीन भी? हाँ, डैम बनाने के लिए यही जगह मुनासिब है। मैं अपनी रिपोर्ट तैयार करके इरिगेशन डिपार्टमेंट को भेज रहा हूँ। अरे ठहरो साहब, ठहरो। ये जमीन ठाकुर साहब की है, यहाँ अच्छी खेती बाड़ी होती है। तुम इसको भी पानी के नीचे डुबा देना चाहते हो? डैम बनाने के लिए अक्सर हजारों एकड़ जमीन, खेत, रास्ते पानी के नीचे डुबोने पड़ते हैं। शेर सिंह का नुकसान होगा, लेकिन गाँव वालों का हमेशा के लिए फायदा हो जाएगा। अरे गाँव वाले के छीले में। शेर सिंह को अगर पता चलेगा वो तुम्हारा देहरादून बना डालेगा। देहरादून बना डाले या बुरहनपुर, अगर शेर सिंह ये जमीन नहीं देगा तो गवर्नमेंट ये जमीन उसे जबरदस्ती छीन लेगी। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर उसको पता चलेगा तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा, तुम्हारा भागा नगर बना डालेगा। नारायण दास, मैंने तुम्हें यह राय देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि इसलिए बुलाया कि रिपोर्ट तैयार करने से पहले मुझे इस जमीन की डिटेल, इसका एरिया, इसकी हदबंदी और इसका सर्वे मैप चाहिए फौरन। सरकार का राज चलता है क्या? हम नहीं देते सरकार को जमीन। आप चाहे मिलिट्री आए, चाहे टैंक आए, चाहे ट्रक आए, हम नहीं देते। मगर जब मैंने पहले आपको चेतावनी दी थी कि ये आदमी खतरनाक है, तो आपने क्या कहा था? क्या कहा था? नारायण दास, तुम्हारा नाम गधे दास होना चाहिए। हम सांप से खेलना जानते हैं, उसका जहर निकालना जानते हैं, उसके दांत तोड़ना जानते हैं। अब वो बगैर जहर का सांप रस्सी का फंदा बनकर आपके गले की गुवाहाटी बना रहा है। अरे वो हमें गुवाहाटी क्या बनाएगा, हम मिनटों में उसे चौपाटी में डुबो देंगे। अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। बताओ, क्या वो कागजात बड़े ऑफिस में पहुंचे? नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंचे। हाँ, इसका मतलब है अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। इससे पहले कि वो कागजात बड़े ऑफिस में भेज दे, हम उसे भगवान के ऑफिस में भेज देंगे। खुदकुशी करने के लिए तुम्हें मेरी जीप मिली थी? नहीं, मैं तुम्हें बताने आई हूँ। मेरे डैडी ने तुम्हें मारने के लिए गुंडे इकट्ठे किए हैं। Thank you.
बेटी, आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। उपकार तो आपके बेटे ने मुझ पर किया है माँ जी। मेरे घमंड के शीशे को तोड़कर सच्चाई के आईने में मेरी सूरत दिखा दी। कितना फर्क है बाप बेटी में। बाप ने मेरा घर उजाड़ दिया और बेटी ने मेरी गोद उजड़ने से बचा ली। सुखी रहो बेटी। सरकार, हम लोग बैठे बैठे मुंह देख रहे हैं और वो इंजीनियर का बच्चा गांव वालों के लिए भगवान बनता जा रहा है, राम का अवतार बनता जा रहा है। अरे उसका कुछ कीजिए, वरना वो अवतार हम लोगों का तार काट डालेगा। देखते जाओ मुनीम, हम भी ऐसी चाल चलेंगे कि यही गांव वाले उसके मुंह पे थूकेंगे। अरे मगर कैसे? बड़ा आसान तरीका है। हम गांव वालों को इस बात का एहसास दिला देंगे कि रवि राम के भेष में रावण है। जिस तरह उसका बाप औरतों का शौकीन था, उसी तरह बेटा भी औरतों का शौकीन है। औरत देखता है मुंह से राल टपकने लगती, और जैसे गांव वालों ने बहुत साल पहले उसके बाप को धक्के देके जलील करके गांव से बाहर निकाल दिया था ना, वैसे ही वो बेटे को भी जलील करके बाहर निकाल देंगे। मेनका यहाँ से कुछ दूर रहती है, उसकी खूबसूरत बेटी लीला वही ये काम करेगी। तो समझ गई लीला, तुम्हें क्या लीला दिखानी है? हाँ जी। बरसों पहले तुम्हारी माँ ने अपनी कलाकारी से रवि के बाप को बदनाम किया था, अब तुम्हें रवि को बदनाम करना है। अगर तुम पुश दर पुश यही काम करती रही तो तुम्हारा नाम इतिहास में सुनहरी शब्दों से लिखा जाएगा। ये मर्दों का सत्यानाश करने वाली बहादुर औरतें। मेरी तो भगवान से प्रार्थना है कि हे भगवान, मुझे भी अगले जन्म में औरत बनाकर इन्हीं के खानदान में पैदा करना। लेकिन अगर इस काम में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारा नंगा पर्वत बना डालूंगा। क्या बना डालूंगा? नंगा पर्वत। चलो, यही वो हरामजादा जो जीप में आ रहा है, इसका जामनगर बना डालो। तुम्हारा काम है सिर्फ आदमी बताना, उसका जामनगर बनाना या श्रीनगर बनाना वो मेरा काम है। अब हटो। बाबूजी, बाबूजी जीप रोको। बाबूजी, बाबूजी मेरे पिताजी बहुत बीमार है। सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थे, पता नहीं अचानक उन्हें क्या हो गया। अगर आप अपनी जीप में बिठाकर उन्हें अस्पताल तक ले जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कहाँ है तुम्हारा घर? वो उधर। आइए आइए बाबूजी, जल्दी आइए ना। आइए बाबूजी। अब इज्जतपुर का फालूदा पूर बनाता हूँ। अरे वो अपना इंजीनियर रवि है ना, सारा गांव भगवान का अवतार समझता है। हाँ? वो शैतान का अवतार निकला। क्या कह रहे हो मुनीम? हाँ, वो एक औरत के साथ उसके मकान में अकेला घुस गया। मुनीम ऐसी बातें मत करो, हो सकता है वो उससे राखी बनवाने के लिए गया हो। राखी बनवाने के लिए कपड़े उतारने की क्या जरूरत है? क्या उसने कपड़े उतार दिए? मैंने अपनी आँखों से देखा, मैंने घर को बाहर से ताला भी लगाया, ये उसकी चाबी है। मुनीम अगर ये बात सच निकली, हम उस इंजीनियर को जूते मारकर अपने गांव से निकाल देंगे। क्यों मेरे इज्जतदार भाई हो? अरे ओ राम के अवतार का ढोंग करने वाले ढोंगी, बाहर आ, गांव की पवित्र धरती को अपवित्र कर दिया। थू, 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 थू। सराफत की वर्दियों में कैसे कैसे बेईमानों ने शरीर अपने छुपा रखे, इससे कहो बाहर आए। चले इंजीनियर, बाहर आ, तेरी शराफत का भाखड़ा नंगल डैम फूट चुका है क्योंकि उसमें बेईमानी का सीमेंट मिला हुआ था। चल बाहर आ रहे, और उस बुलबुल को भी लेकर आ जिसके साथ मैं खटमंडू बना रहा था। क्या बात है भाई, बहुत लंबा चौड़ा जुलूस लेकर आई। ये तुम्हारा जुलूस निकाला है। चल चल चल, नाटक बंद कर, उस बुलबुल को बाहर बुला जिसके साथ गुलचर्रे उड़ा रहा था तू। बुलाओ? हाँ हाँ, जब ये कहते हैं तो बुलाओ। ठीक है, अगर आप सबकी यही मर्जी है तो बुला। अरे भाई बाहर आ जाओ। वासी भी रामलीला कहाँ से आ गई? ठाकुर साहब, ये क्या तमाशा है? अपनी बेटी को रवि के साथ इस घर में बंद कर दिया, अब हम सबको दिखाने के लिए यहाँ बुला लाया, ये बहुत गंदी बात है। एक बात के लिए इससे गिरा हुआ मजाक और नहीं हो सकता। चलो भाइयों चलो। कुत्ते, गधे, सुअर, उल्लू के पट्टे। एक मिनट, जानवरों के नाम बाद में क्या, मैं जरा इनसे एक मिनट निपट लूं। तुम कैसे आ गई? कैसे मतलब? क्या तुम्हें मालूम नहीं, मैं यहाँ कुछ देर ऐसे ही बातें करने के लिए आई थी। बाद में जब जीप में रवि आया, उसके अंदर आते ही तुम बाहर से ताला लगाकर भाग गए। मैं चिल्लाती रही, मुनीम अंकल, मुनीम अंकल, और तुमने मुझे देखा, मेरी आवाज सुनी,
फिर भी भाग गए? क्यों? मेरा मजाक उड़ाने के लिए, डैडी को सारे गांव में बदनाम करने के लिए? छी 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 छी, अब डैडी गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? बंदूक नहीं मालिक, आपको विजयवाड़ा की कसम, आपको पटियाला की कसम, आपको मध्य प्रदेश की कसम, आपको उत्तर प्रदेश की कसम। खामोश, बंद कर तेरा पटियाला, विजयवाड़ा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेरे सारे गांव खत्म हो चुके हैं। अब मैं तुझे सोनापुर बनाऊंगा। सोनापुर समझता है गधे की औलाद, सोनापुर बनाऊंगा। अरे नहीं, सोने लग जाएगा। क्यों डांटते हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? अचानक ठाकुर की बेटी वहाँ पहुँच गई और मुझ पर हमला किया, मुझे नाखूनों से नोचा और मेरे बाल भी नोच डाले। ऐसी हालत में ये बेचारी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती नहीं तो क्या करती? अरे चुड़ैल, तू तेरी ज़बान बंद कर। सबसे पहले तुझको सजा मिलनी चाहिए। मुझे क्यों? सजा तो तुझे मिलनी चाहिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे साथ ज़बान लड़ाती है? अरे तेरे खानदान का नाम इतिहास में सुनहरी शब्दों से तो क्या गीले गोबर से नहीं लिखवाऊंगा। एक तो गंदा काम करती है, ऊपर से नर्मदा बनती है, गटर की नाली कहीं की। ये क्या पागलपनी है? ऐ मेरी बर्फी की पेटी, कलाकंद की टोकरी, रबड़ी की कटोरी, चौपाटी की कुल्फी, जरा मुस्कुरा दो, मैं तुम्हें अपने कैमरे में बंद कर लूं। स्माइल, वन, टू। ऊपर वाले ने तुम्हें सिर्फ मुझे बर्बाद करने के लिए पैदा किया है क्या? मैं जब भी किसी खूबसूरत लड़की की तस्वीर लेता हूँ तुम यमदूत की तरह आग टपकते हो। मगर यहाँ तो कहीं पानी भी नहीं है, मुझे तुम किस तरह भिगोगे? मैं तुम्हें भिगोने नहीं, तुम्हारी तबीयत साफ करने आया हूँ। तबीयत साफ? ये किस लॉन्ड्री में होती है? मेरे हाथ की लॉन्ड्री में। पद्मा चलो यहाँ से। चलो मगर फोट एक बेव अंग्रेजी बंदर, अगर गांव की भोली भाली लड़कियों को बहकाने की कोशिश की तो मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। अरे ठहरो, कमजोर पे क्यों दांव जमाते हो? अपनी बहन को क्यों नहीं रोकते? आखिर वो क्यों मर्दों के मुंह लगती है? हराम दादे, मेरी बहन को बदनाम करना है। सच बता रहा हूँ, शक्ति जी के साथ इश्क कर रही है। झूठ हो तो जान से मार देना। शक्ति, मुझे इस तरह तुमसे बार बार अकेले में मिलने से बहुत डर लगता है। भैया ने अगर मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो वो न जाने क्या कर बैठेंगे। क्या कर बैठेंगे? शक्ति, अगर दोबारा मेरी बहन को आंख उठाकर भी देखा तो मैं बीच चौराहे पे तुझे जिंदा जला डालूंगा। अबे जा, बड़ा है जिंदा जलाने वाला। मैं भी मर्द हूँ, हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी। इस लड़की ने क्या किया? इसे तुम्हारी तपस्या और मेरे प्यार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। ये उस कमीने मुनीम के बेटे से प्यार करने लगी है। हे भगवान, बेटा, जवान लड़की तेज तलवार की तरह होती है, उसकी जरा सी गलत हरकत घर की इज्जत को कत्ल करके रख देती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। तुम ठीक कह रही हो माँ, ढूंढता हूँ कोई शरीफ लड़का और जल्द से जल्द इसकी शादी कर देता हूँ। नहीं भैया, मैं शक्ति के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। पद्मा, मैं जानती हूँ भैया, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैं उनसे छुप छुप कर मिलती रही, मगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो आपसे खुद आकर शादी की बात करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ये बात हो गई। भैया, अगर मेरी शादी उनसे नहीं हुई तो किसी और से भी नहीं हो पाएगी। तुम हमारी मर्जी के खिलाफ उस शैतान के बेटे से शादी करोगी? बाप की शैतानी से बेटे को क्या लेना देना? शेर सिंह अगर सालिम है तो उसकी बेटी तो वैसी नहीं है ना। इसी तरह अगर मुनीम बदमाश है तो क्या जरूरी है कि उसका बेटा भी बाप की तरह बदमाश हो? भैया, अगर मेरी शादी शक्ति से नहीं हुई
तुम्हें चांस दे दूंगी।